भाई साहब उतरने दो, सब उतरने दो यार। वॉशरूम में भाई साहब पूरे पब्लिक मतलब जो भी पैसेंजर यात्रा करने वाली वो चढ़ी हुई है। खान साहब है ये बोरेन का फोन मतलब गुम हो गया। कौन सा फोन था? वीवो का फोन। 37 कितने का था फोन? हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का रायपुर के रेलवे स्टेशन पे। अभी लेकर चल रहे अंदर और अंदर पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को इस जर्नी यात्रा के बारे में। तो ये गाइज अपन जो वेंडिंग मशीन देख रहे हैं, यहाँ से अपन टिकट ले लिए हैं और दो जन सवारी करें, कौन कौन कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो में आगे मालूम चलेगा। हाँ जी गाइज, तो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अभी रायपुर के रेलवे स्टेशन पे। और आप लोगों से कुछ दिन पहले मैं पुल में पूछा था कि आप लोग फूड का ब्लॉग देखना चाहते हो या ट्रेन जर्नी देखना चाहते हो, तो 70% लोगों ने पुल पे क्लिक किया कि हमें ट्रेन का जर्नी देखना है। वैसे आप लोगों को फूड ब्लॉग भी पसंद है, तो अपन डिसाइड ये किया कि बीच बीच में आप लोगों को ट्रेन जर्नी दिखाते रहेंगे और फूड ब्लॉग जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मैं रायपुर में रहूँगा, फूड ब्लॉग आते रहेगा। तो आज का जर्नी अपन शुरू कर रहे हैं। स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को यात्रा दिखाने के लिए, बाकी मेरा कोई काम नहीं है जर्नी करने का, सिर्फ ब्लॉग के लिए गाइज ये जर्नी कर रहा हूँ। सो गाइज, आज का हमारा ट्रेन जर्नी होने वाला है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से, जो कि डेली चलती है कोरबा से अमृतसर के बीच। और ये ट्रेन का नंबर है 18237, जो कि टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2102 किलोमीटर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर प्रति आवर। और गाइज इधर बता दो, अभी हावड़ा पुणे अपना जो ट्रेन है वो गुजर रहा है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। तो गाइज टाइमिंग की बात किया जाए तो कोरबा से निकलता है 11:33 पर, डेली चलता है और 43 घंटे 22 मिनट समय लेने के बाद हमें पहुंचा देता है अमृतसर सुबह सुबह 6:55 पे। इस ट्रेन का रूट गाइज जो है ना काफ़ी लंबा है, तो इस ट्रेन में आप लोगों को पेंट्री कार देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को ई कैटरिंग की भी सुविधा देखने को मिल जाएगा और उसके बाद अपना ऑनबोर्ड जो कैटरिंग होता है उसकी भी सुविधा इस ट्रेन में देखने को मिल जाएगा। ये ट्रेन के बारे में गाइज आप लोगों को बता दूँ, 7 राज्यों से होकर गुजरता है, इसलिए इसका मतलब काफ़ी चर्चा रहता है ट्रेन का। ये ट्रेन आप लोगों को बता दूँ नॉलेज के लिए, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, छत्तीसगढ़ के बाद एंटर करता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरता है अपना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यूपी, यूपी के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद गाइज फाइनली पहुँचता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पंजाब के अमृतसर जंक्शन पे। तो है ना यार काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज। तो करंट टाइमिंग की बात करूँ गाइज, तो अभी देख सकते हो 4:10 कम है और हमारा जो जर्नी है आज अपन जर्नी कर रहे हैं, छोटा सा जर्नी रखेंगे इसी ट्रेन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से, रायपुर से दूर के बीच ही रखेंगे। अगर जर्नी अच्छी रही तो आप लोग को आगे भी जर्नी में करके दिखाते रहूँगा। तो रायपुर इसका जो आने का समय है डेली आता है 4:05 शाम को, 4:05 PM पे, और 1 घंटा 10 मिनट लेने के बाद ये हमें दुर्ग पहुँचा देगा। तो ये देखो भाई साहब, वैगन 9 लोकोमोटिव के साथ मालगाड़ी में लगाया गया है, बहुत पावरफुल इंजन है। वैसे वैगन 9 नया नया इंजन हमें ऐसे देख रहे, इसका चक्का पूरा नया। और इधर दिखा दूं भाई साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी काम भी चल रहा है। तो ये गाइज वेब 7 लोकोमोटिव के साथ हमारा पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रायपुर के जंक्शन पे। पूरा का पूरा भाई साहब जो कोच लगा है ना, पूरा कोच LHB लगा हुआ है। और भाई साहब जनरल में तो दबा के भीड़ है यार, ये वाला वैसे कुछ खाली है। ठीक है, यहाँ भी जो ट्रेन है कुछ ना कुछ तो भीड़ खाली होगा ही। चलो भैया आगे गया जनरल। खाली है क्या वाला? ये जो फोटो भेजो। चलो चलो भाई चलो। तो ये देख लो भाई साहब, ये छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का दशा। चलो भाई चलो, थोड़ा सा अंदर घुसो यार। कहाँ जाओगे अभी आप? सारस। कहाँ जा रहे हो? अभी उतर ही जाओगे। तुम कहाँ जाओगे? मैं दुर्ग जाऊंगा। एक पहला स्टॉप जाना है, चंदन ब्लॉक सर्च करना मिल जाएगा।
चलो भाई साहब, जय माता दी का नाम लेकर। एक्चुअली अभी क्या है ना कि नवरात्रि का माहौल चल रहा है, तो हो सकता है कि डोंगरगढ़ लोग जा रहे हो तो भीड़ ज्यादा हो। अंकल आप कहाँ जाओगे? नाम तो नागपुर जा रहे हैं। नागपुर कहाँ से आ रहे हो आप? यहीं से बैठे। अच्छा यहीं से? अरे तो यहाँ से बैठने जगह तो मिलेगा नहीं, अब अकेला आदमी है। हाँ ये बात सही है, अकेला आदमी है कहीं भी तो फैमिली तकलीफ हो जाती है। हाँ बात तो सही है। अब ये काहे की रिकॉर्डिंग करते हैं? मैं सर यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ। यूट्यूब बनाते हैं भाई। देवी आप लोग को बता दूँ, रायपुर रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, इसका जो हॉल टाइम है 10 मिनट्स का है, बट फिर भी भीड़ ज़्यादा, इसलिए मैं ट्रेन में आ गया। आप लोगों को दिखाऊँ, देखो पब्लिक जो है कितना स्ट्रगल कर रही है। ये रहा अपना वॉशरूम का सीन, और वॉशरूम में भाई साहब पूरे पब्लिक मतलब जो भी पैसेंजर यात्रा करने वाली वो चढ़ी हुई है। तो गाइज आप लोग बता दूँ, ये जो भैया है ये ट्रेवल कर रहे हैं भिलाई के लिए, है ना? तो भिलाई जितने भी लोग रायपुर से भिलाई ट्रेवल करते हैं उनको कितना खर्चा आता है? अगर आप लोग ऐसे नॉर्मल टिकट से जाओगे तो रोज का 30 रुपये आना जाना लग जाएगा लगभग। आप बता दो आप कैसे मतलब यात्रा करते हुए कम खर्चा कैसे लगता है? 185 का अपना पास बनता है। 185 का पास बनवा लो तो उसमें रायपुर आओ और रायपुर से टर्न भिलाई जाओ, दोनों का बन जाता है। अच्छा सिर्फ दो ही बार की और भी जा सकते हैं? दो तीन बार इनको उतरने दो, जितने बार भी। अरे वाह यार, मतलब 180 का पास बनाओ, जितने बार मन करे रायपुर टू भिलाई ट्रेवल करो। और सिर्फ कौन सा ट्रेन? लोकल में, लोकल एक्सप्रेस में काम नहीं करेगा। अच्छा आप कहाँ जाओगे? भोपाल। भोपाल रायपुर टू भोपाल सुबह पहुँचेंगे। जिंदर में सफर कर लोगे? करते हैं तो कुछ भी नहीं हो। घर के लोगों का भाई साहब आप लोग देखो मतलब एनर्जेटिक माहौल, कहीं भी यात्रा कर लेंगे जिंदर में है कि नहीं? कितने क्या लगा वैसे भोपाल तक का? यहाँ से 700 किलोमीटर। किराया कितना लगा टिकट का? 420 दोनों का, यानी कि एक जन का 210। बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना भीड़ हुआ ना कि मैं आप लोगों को अंदर का भी व्यू नहीं दिखा सकता। बाय द वे आप लोगों को बहुत देर से एक चीज़ अभी तक रात छुपा के रखा था वीडियो में, वैसे आ गए होंगे, हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मतलब बहुत ही फेमस ब्लॉगर भाई साहब अमन भाई, दोनों जन साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो कमेंट करके जोर बताना अभी तक आप लोगों का जो जर्नी है, इन्फॉर्मेशन है, कितना बढ़िया लगा। बाकी आप लोग जर्नी का आगे आनंद लीजिए। इटारसी अभी भाई साहब मिले, इटारसी जाएंगे, कितना समय लग जाएगा आपको? ये बहुत लग जाएगा, 4 बजे बोल रहे हैं सुबह। अच्छा 4 बजे सुबह, यानी लगभग 12 घंटा अभी और, अगर ट्रेन टाइम से रही तो। आप कहाँ रायपुर चढ़े हो? हाँ रायपुर। सही में बोल रहे हो कि ऐसे? जनरल में यात्रा करते हो और दरवाजे के सामने बैठोगे तो फोन वोन का काफ़ी ध्यान रखना। एक हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपका? आरिफ खान साहब है, ये बोले इनका फ़ोन मतलब गुम हो गया। कौन सा फ़ोन था? वीवो का फोन। V7 कितने का था फोन? 18 यार देखो, ऐसा सोचे नहीं थे 18,000 भाई साहब डुबा दिए हैं। अभी गेट पे बैठे थे, सब सही चल रहा था, बट अभी बोल रहे कि मेरा फ़ोन गया। तो जेंडर में यात्रा करते हो तो फ़ोन का, पर्स का, ये सब का ध्यान रखना है कि नहीं? ज़रूरी है। क्या है नहीं है बैग में ना? रायपुर में भी ये काम, दिल्ली वाला काम शुरू हो गया ना? बस दिल्ली वाली काम।
का मौसम बताओ गाइस, क्या जबरदस्त कहर मौसम हो गया। देख रहा पूरा धूल पूरा है रायपुर शहर में। काइंड ऑफ पूरा जो अंधर होता है ना, अंधर या आधी बोलो, वो आधी चल रहा है। और आधी के बीच भाई साहब सफर करने का जो मजा है वो नेक्स्ट लेवल है। साथ ही साथ गाइस फेयर की बात करूं तो आप लोग को कोरबा से अमृतसर का जो फेयर है वो बताता हूं। जनरल से आप लोग ट्रेवल करते हो तो 465 रुपये लगेगा, स्लीपर से ट्रेवल करोगे तो 780 रुपये, थर्ड एसी का 2060 रुपये, सेकेंड एसी का 3000 रुपये और फर्स्ट एसी में जर्नी करते हो तो आप लोगों को 5120 रुपये लग सकता है। ये जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये इंटरनेट से लेकर बता रहा हूँ, बाकी आप लोग एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप लोग देख सकते हो IRCTC के वेबसाइट पे। यूट्यूब में चंदन ब्लॉग में जाएगा, चंदन ब्लॉग में सर्च करोगे तो आ जाएगा। आज ही दिखेंगे? नहीं कल आ जाएगा। मेरा आगे अरे बिल्कुल आप आ रहे, एक बार है तो बोल दो, बोल दो है। तो भाई साहब लोगों को बता दूं, रायपुर से चले थे अपन, ये अपना पहला स्टॉप है, ट्रेन का वैसे पहला स्टॉप नहीं है, अपना पहला स्टॉप है, भिलाई पावर हाउस पहुँचे हैं। यहाँ आप लोगों को बता दूँ भीड़ जो बहुत सारा जो चढ़ा था रायपुर से, रायपुर के पहले से यहाँ कुछ कुछ खाली हो रहा है, आप लोगों को दिखा दूँ। उतना भीड़ नहीं है जितना भीड़ भाई साहब रायपुर में था। तो अगर आप लोग इस ट्रेन से ट्रेवल करते हो, भिलाई से बोर्ड करते हो, तो आप लोग को सीट लगभग लगभग मिलने की चांसेस है। और रायपुर से चढ़ोगे तो थोड़ा सा तो भीड़ होगा, और भिलाई आते आते खाली लगभग खाली हो जाएगा। आप लोग को दिखाता हूँ, अभी कुछ देर पहले ये जो अपना कोच था पूरा भरा पड़ा था, लेकिन अभी देखो इतना खाली है कि आराम से कोई भी व्यक्ति चढ़ सकता है, उतर सकता है। तो भिलाई से गई जो अपना ट्रेन, जैसे कि आप लोगों को बता रहा था, लगभग लगभग खाली हो चुका है। तो फटाफट आप लोगों को जनरल कोच में जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, इसमें क्या क्या सुविधा मिलने वाला है आप लोगों को वो दिखा दूँ। सबसे पहले जो इसका कोच का जो सीट है ना, सीट की जो कम्फर्टेबिलिटी है भाई साहब बहुत बढ़िया लगा। मतलब कोई भी सीट देखोगे तो ख़राब आपको नहीं देखने को मिलेगा, सब में जो कुशनिंग है काफ़ी बढ़िया है। और साइड बाई साइड आप लोगों को दिखाऊं, इधर आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, बाकायदा कांच देखिए, पहले का जनरल कोच से कांच होता काफ़ी अलग होता, अभी का मतलब बढ़िया है, लाइटिंग वाइटिंग परफेक्ट है। बाकी देखिए तीन फैन है और तीनों फैन चल रहे हैं। कैमरा है? हाँ सर कैमरा है। हाँ 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 टीवी में जाएगा, न्यूज़ में जाएगा, सब कुछ। हाँ सब कुछ है। आप भी आ रहे हो, कहाँ आप ट्रेवल कर रहे हो? तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ लगभग भिलाई में खाली हो चुका है, यहाँ सीट आप लोग को आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ से भीड़ कब आगे होगा ये तो आगे वक्त ही बताएगा, बाकी आप लोगों को दिखाते हैं अगला अपना जर्नी। बाकी आप लोगों को खाने पीने की सुविधा बराबर मिलेगी, अभी चाय वाय देख सकते हो। यहाँ से भाई साहब गुजर रही है अमरकंटक एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग से भोपाल के बीच चलती है, देख सकते हैं। और ये लगा है दुर्ग नौतनवा, और ये कौन सा है भाई साहब, ये है हटिया दुर्ग। भाई साहब सारनाथ एक्सप्रेस भी लगा है, पानी पानी पानी। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो सारनाथ में भी जर्नी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे जर्नी, अपना जर्नी का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है, बस आप लोग कमेंट करते रहो कि भैया हमें ये जर्नी देखना है, दिखाने का जिम्मेवारी भाई साहब मेरी। और हमारे साथ वो पैसेंजर है, ये भी जनरल में ट्रेवल कर रहे हैं, अपने नाम को बता दो भैया, क्या नाम है आपका? परमेश्वर मिश्रा। ये भी भाई साहब रायपुर से कहाँ तक जाओगे आप?
डूंगरगढ़। हाँ, दुर्ग बता दो, एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंचा दिया हमें। 5:25 हो रहे और 5:22 इसका टाइम था दुर्ग लाने का, और भाई साहब देख सकते अपन पहुंच चुके हैं। भाई साहब उतरे भाई उतरने तो यार छूट जाए। आप 5 मिनट अंकल आप उतरोगे क्या? एक मिनट अंकल, एक मिनट उतरने दो फिर चलना। फाइनली भाई साहब अपना छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का जर्नी काफ़ी बढ़िया रहा। थोड़ी बहुत भीड़ हमें देखने को मिली थी रायपुर से, भिलाई आते आते खाली हो चुका है, और दुर्ग जंक्शन में भाई साहब एकदम करेक्टली टाइम से हमें उतार दिया है। ये गाइस आप लोगों को दिखाते चलो, ये है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का पेंट्री का रसोई यान मेंशन है। भी आएंगे सर, हेलो बोल दीजिए एक बार। हेलो, बाय बाय। बाय बाय, निकल आइए लोग कभी करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर हमारे ट्रेन के सब अधिकारी लोग हैं। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। थैंक यू, तो बड़ा सा आपको करूं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा दुर्ग स्टेशन पे आके। यहाँ के जितने भी रेल कर्मी थे या जो भी मतलब यहाँ के अधिकारी लोग थे, जो भी वर्कर लोग थे ना, काफ़ी फ्रेंडली थे। पूछ रहे थे कितने कैमरा है, क्या कर रहे हो बेटा। बाकी कई जगह ऐसा होता है कि रेल कर्मी देखते हैं या पुलिस कर्मी देखते हैं तो कभी कभी कैमरा छीनते हैं, कभी कभी फुटेज लीक करवाते हैं, अलग अलग होता है। लेकिन दुर्ग में काफ़ी फ्रेंडली लगा, दिल खुश हो गया यार। मेरे को भी अंदर से डर लग रहा था कि हो सकता है फुटेज या डिलीट करा दे, लेकिन आया प्यार से पूछे क्या कर रहे बेटा। हम लोगों ने बताया कि मतलब हाँ ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं मतलब। और वो भी आप लोगों का हाथ दिखाए हाय बाय किए, बहुत ही बढ़िया लगा यार दुर्ग से। हाँ जी गाइस, तो अभी आप लोगों को दुर्ग जंक्शन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। ये जो दुर्ग जंक्शन है इसका स्टेशन कोड भी DURG दुर्ग ही है। इसका स्पेलिंग के भी वही है, दुर्ग जंक्शन का DURG होता है दुर्ग, और इसका स्टेशन कोड भी DURG ही होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो 6 है, और इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1891 में। और ये आता है भाई साहब, या इस जो जंक्शन है इसको ऑपरेट करती है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अब लेते हैं यहीं अपने इस जर्नी से विदा, और आप लोगों से विदा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो वीडियो कर दो लाइक, एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। तो अब लेते हैं फाइनली आप लोगों से इन सभी दोस्तों के बीच विदा। अभी इनसे सभी से परिचय करेंगे। क्या क्या नाम है आप लोगों का? भैया मेरा नाम ओमकार पटेल है। ओमकार पटेल, कहाँ से हो? कमारधा से हूँ। अच्छा, कबीरधाम। तो यहाँ घूमने आए थे दुर्ग? यहाँ बारात आए हैं, इधर घूमने आए। अच्छा, बारात आए हो, यहाँ घूमने आए, बहुत ही बढ़िया। आप लोग बता दो, 4 दोस्त हमें मिले, एक बार हेलो बोल दो आप सभी को। तो सभी लोग बारात हैं, बारात में मजे किए कि नहीं किए? मजा किया भाई, अभी डीजे लगाए उसमें एंजॉय करने के लिए जाएंगे। एंजॉय करेंगे, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग जाओ एंजॉय करो, और हम लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन ख्याल रखें, ब्लॉग देखते रहें, इन्फॉर्मेशन लेते रहें, और बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड जय हिंद गाइस। हाँ।